वेलकम बैक टू आवर चैनल जेनी ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड यानी इसका जो क्लासिफिकेशन है वो कितने टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ग्लाइकोसाइड के बारे में, उसके अंदर उसकी डेफिनेशन, आइसोलेशन प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। तो उस वीडियो को अगर नहीं देखा है आपने तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जाके आप वीडियो को देख सकते हो। तो आज जो है हम क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड के बारे में डिस्कस करने वाले। इसका जो क्लासिफिकेशन है मेनली फोर टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है इसका ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ शुगर और द ग्लाइकोन पार्ट, यानी जो ग्लाइकोसाइड है उसके अंदर कौन सा शुगर पार्ट प्रेजेंट है, या फिर यूँ बोल सकते हैं कौन सा ग्लाइकोन पार्ट प्रेजेंट है। तो मेनली इसके अंदर कौन सा ग्लाइकोन पार्ट प्रेजेंट हो सकता है, लाइक वो ग्लूकोसाइड हो सकता है, फ्रुक्टोसाइड हो सकता है, या फिर पेंटोसाइड हो सकता है। देन सेकेंड क्लासिफिकेशन है फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यानी जो ग्लाइकोसाइड है उनको फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पे भी क्लासिफाइड कर रखा है कि उनका जो कौन कौन से फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो सकते हैं, लाइक पर्गेटिव एक्शन हो सकते हैं, उनके कार्डियक ग्लाइकोसाइड हो सकते हैं, या फिर डायूरेटिक हो सकते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन है इसका ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज बिटवीन ग्लाइकॉन एंड ए ग्लाइकॉन पार्ट, यानी जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था ग्लाइकॉन एंड ए ग्लाइकॉन पार्ट के बीच में जो लिंकेज होता है उसको बोलते हैं अपन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो उसके बेस पे इसको जो है क्लासिफाइड कर रखा है कि जो कौन सा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो सकता है, लाइक एस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो सकता है, सी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो सकता है, ओ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो सकता है, या फिर एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो सकता है। ये आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। देन फोर्थ क्लासिफिकेशन है केमिकल नेचर ऑफ ए ग्लाइकोन मोइटी, यानी जो ए ग्लाइकोन मोइटी या फिर नॉन शुगर पार्ट हो सकता है उसकी केमिकल नेचर के बेस पे जो क्लासिफिकेशन दे रखा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ शुगर और ग्लाइकोन पार्ट, यानी जो ग्लाइकोसाइड है उसके अंदर कौन सा शुगर पार्ट प्रेजेंट है उसके बेसिस पे ग्लाइकोसाइड को जो है क्लासिफाइड कर रखा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अपन देख सकते हैं ग्लूकोसाइड विथ ग्लूकोज, फ्रुक्टोसाइड विथ फ्रुक्टोज एंड पेंटोसाइड विथ पेंटोज। देन सेकेंड क्लासिफिकेशन है इसका ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यानी जो ग्लाइकोसाइड है उनका क्या क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन आ रहा है बॉडी पे उसके बेस पे जो है ग्लाइकोसाइड को डिवाइड कर रखा है, क्लासिफाइड कर रखा है। तो इसके अंदर फर्स्ट है पर्गेटिव ग्लाइकोसाइड, यानी उनका जो है एज अ पर्गेटिव की तरह वर्क हो रहा है। तो उसके अंदर जो ड्रग्स आती है लाइक एलोय एंड सिना, तो ये एज अ पर्गेटिव यूज़ होती है। देन सेकेंड है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, यानी ऐसी ड्रग्स जिनका यूज जो है या एक्शन है कार्डियक या हार्ट के ऊपर आ रहा है। तो इसके अंदर जो ड्रग्स है लाइक डिजिटालिस एंड थेवेटिया, जो डिजिटालिस ड्रग है वो डिजिटालिस लेनाटा से प्रोड्यूस होती है। तो ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड यानी उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो हार्ट के ऊपर आ रहा है। देन नेक्स्ट है डाययूरेटिक, तो उसके अंदर जो ड्रग्स है लाइक घोखरू, ये अगर आप याद करना चाहो तो ठीक है, वरना ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। बट जो मेन क्लासिफिकेशन है वो है जो थर्ड टाइप का मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज बिटवीन ग्लाइकॉन एंड ए ग्लाइकॉन पार्ट। तो ये जो क्लासिफिकेशन है बहुत ही मेन है, इम्पोर्टेंट है, इसको आप जो है याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट है ओ ग्लाइकोसाइड, यानी जब ग्लाइकोन एंड ए ग्लाइकोन पार्ट के बीच में जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है वो किस टाइप का है, तो यहाँ पे ओ ग्लाइकोसाइड यानी जो ग्लाइकोन एंड ए ग्लाइकोन पार्ट है वो उसके बीच में ऑक्सीजन जो है वो लिंकेज बना रही है, या ऑक्सीजन लिंकेज के थ्रू ग्लाइकोन एंड ए ग्लाइकोन पार्ट मिलके ग्लाइकोसाइड बना रहे हैं। तो फर्स्ट है ओ ग्लाइकोसाइड। इसके अंदर क्या होगा, जो फिनोलिक और ओएच ग्रुप होगा, फिनोलिक और ओएच ग्रुप होगा वो शुगर पार्ट से अटैच होगा। अब वो कैसे होगा वो आप देख सकते हैं, ग्लाइकोन पार्ट का ओएच ग्रुप एंड ए ग्लाइकोन पार्ट का
वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसमें क्या होगा, जब ग्लाइकोन पार्ट का हाइड्रोजन एंड ए ग्लाइकोन पार्ट का ओ एच ग्रुप या एच ओ ग्रुप बोल सकते हैं, तो ये जो ग्रुप होंगे या आयन होंगे, एच ये हाइड्रोजन आयन एंड ओ एच, ये दोनों मिलके वाटर प्रोड्यूस करेंगे, तो वाटर तो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, तो इसका जो सिंथेसिस होगा क्या होगा, सिंथेसिस में ग्लाइकोन का ऑक्सीजन एंड ए ग्लाइकोन मिलके क्या बनाएंगे, ग्लाइकोन एंड ए ग्लाइकोन, उसके बीच में जो लिंकेज होगा वो ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज होगा इनका, तो ये है ओ ग्लाइकोसाइड, यानी जो बेसिस क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज बिटवीन ग्लाइकोन एंड ए ग्लाइकोन, तो इनके बीच में जो है ऑक्सीजन है, इसका जो एग्जाम्पल है रूबार्ब एंड सिना, दो ड्रग है इसके अंदर रूबार्ब एंड सिना। अब वापस एक बार रिमाइंड कर सकते हैं, ग्लाइकोन एंड ए ग्लाइकोन पार्ट के बीच में जो लिंकेज बन रहा है ऑक्सीजन के थ्रू, तो ये ओ ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड है इसके अंदर सी ग्लाइकोसाइड, यानी जो शुगर पार्ट एंड नॉन शुगर पार्ट के बीच में जो लिंकेज होगा वो कार्बन से होगा, तो इसमें मेनली क्या हो रहा है, शुगर इज कनेक्टेड टू कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम से शुगर होगी वो कनेक्टेड होगी, वो कैसे होगा, लाइक ग्लाइकोन पार्ट का सी एच एंड ए ग्लाइकोन पार्ट का एच ओ, तो यहाँ पे जो है ग्लाइकोन पार्ट का हाइड्रोजन एंड ए ग्लाइकोन पार्ट का एच ओ मिलके सिंथेसिस होगा, तो ये जो ये पार्ट है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा एच टू ओ में, तो पीछे क्या बचेगा, ग्लाइकोन का सी एंड ए ग्लाइकोन, तो यहाँ पे जो ये आप देख सकते हैं ग्लाइकोन एंड ए ग्लाइकोन के बीच में जो लिंकेज है वो दोनों किससे अटैच है, कार्बन से अटैच है, तो ये जो है सी ग्लाइकोसाइड लिंकेज हो गया। और इसके अंदर जो एग्जाम्पल है लाइक एलो एंड कैस्कारा, ये जो दो ड्रग है एलो एंड कैस्कारा, मैं सिंपल सा ट्रिक है इसके अंदर क्या है कि सी ग्लाइकोसाइड यानी ग्लाइकोन पार्ट और ए ग्लाइकोन पार्ट के बीच में कार्बन आ जाएगा, यानी कार्बन के थ्रू इनका जो है लिंकेज होगा, तो इनको बोल सकते हैं अपन सी ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोन एंड ए ग्लाइकोन पार्ट के बीच में कार्बन है, यानी कार्बन के थ्रू इनका लिंकेज हो रहा है। देन नेक्स्ट है एस ग्लाइकोसाइड, तो एस ग्लाइकोसाइड के अंदर क्या होगा, सल्फर ऑफ एस एच ग्रुप इज अटैच टू शुगर पार्ट, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लाइकोन पार्ट के अंदर एस एच ग्रुप है, जो एस एच ग्रुप में से हाइड्रोजन जो है ग्लाइकोन पार्ट के ओ एच ग्रुप के साथ अटैच होके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, एच टू ओ बाहर निकल जाएगा, तो क्या क्या प्रोड्यूस होगा या क्या सिंथेसिस होगा, ग्लाइकोन एंड ए ग्लाइकोन पार्ट के बीच में, यहाँ पे एच एस बच गया है, तो ये जो ग्लाइकोन एंड ए ग्लाइकोन पार्ट के बीच में एस लिंकेज बन जाएगा, एस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो इसको अपन बोल रहे हैं एस ग्लाइकोसाइड, क्योंकि ग्लाइकोन पार्ट शुगर पार्ट है, ए ग्लाइकोन पार्ट नॉन शुगर पार्ट है, और इनके बीच में जो लिंकेज है वो है एस लिंकेज, सल्फर लिंकेज, और इसके अंदर जो ड्रग्स है उनका एग्जाम्पल है लाइक आइसोथियोसाइनेट ग्लाइकोसाइड, आइसोथियोसाइनेट ग्लाइकोसाइड है, उसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स है लाइक सिनिग्रीन फ्रॉम ब्लैक मस्टर्ड, यानी सिनिग्रीन ड्रग्स जो है वो ब्लैक मस्टर्ड से प्रोड्यूस हो रही है। ओके, तो देन नेक्स्ट है एन ग्लाइकोसाइड, नेक्स्ट जो है एन ग्लाइकोसाइड, एन ग्लाइकोसाइड में क्या होगा, एन ऑफ अमीनो ग्रुप इज अटैच टू द शुगर, यानी जो अमीनो ग्रुप है उससे नाइट्रोजन अटैच होगा, शुगर पार्ट से नाइट्रोजन अटैच होगा, अब वो कैसे होगा, देखिए अब ए ग्लाइक सॉरी ग्लाइकोन पार्ट के अंदर अमीनो ग्रुप है, ग्लाइकोन पार्ट के अंदर अमीनो ग्रुप है एंड ए ग्लाइकोन पार्ट के अंदर ओ एच, तो यहाँ पे ए ग्लाइकोन पार्ट का हाइड्रोजन सॉरी ग्लाइकोन पार्ट का हाइड्रोजन एंड ए ग्लाइकोन पार्ट का ओ एच या एच ओ मिलके वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी जो एच टू है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, और इनका जो सिंथेसिस होगा ग्लाइकोन एंड ए ग्लाइकोन पार्ट का, तो यहाँ पे एन रिमेन रह रहा है नाइट्रोजन,
तो ग्लाइकॉन एंड ए ग्लाइकॉन के बीच में जो लिंकेज बनेगा वो नाइट्रोजन के थ्रू इनका जो है लिंकेज रहेगा। तो ए ग्लाइकॉन एंड ए ग्लाइकॉन के पार्ट में नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा। तो इनका जो एग्जाम्पल है वो है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। वापिस आप देख सकते हैं एन ग्लाइकोसाइड, क्योंकि नाइट्रोजन के थ्रू इनका जो लिंकेज होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एंड एच ओ मिल के जो है एच टू ओ में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो रिमेन यहाँ पे नाइट्रोजन रहेगा। तो ग्लाइकॉन ग्लाइकॉन एंड ए ग्लाइकॉन पार्ट के बीच में नाइट्रोजन के थ्रू लिंकेज रहेगा, तो इसको अपन बोल सकते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब बात करते हैं फोर्थ क्लासिफिकेशन। जो लास्ट क्लासिफिकेशन है वो मैंने बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ ए ग्लाइकोन मोइटी, यानी जो ग्लाइकोसाइड के अंदर नॉन शुगर पार्ट होता है उसके केमिकल नेचर के बेस पे जो है क्लासिफिकेशन या क्लासिफाइड कर रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ द ए ग्लाइकोन मोइटी। तो इसके अंदर जो है क्लासिफिकेशन दे रखा है पॉइंट वाइज, इसमें कुछ 11 पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट है एंथ्रासीन और एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, सेकंड है सपोनिन ग्लाइकोसाइड, थर्ड है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, फोर्थ है साइनोजेनिक और साइनोफोरिक ग्लाइकोसाइड, आइसोथियोसाइनेट ग्लाइकोसाइड, काउमेरिन एंड फ्यूरेनो काउमेरिन ग्लाइकोसाइड, एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड, स्टीरॉयडल ग्लाइको एल्केलॉइड्स, फिनॉल ग्लाइकोसाइड, फ्लेविनॉइड ग्लाइकोसाइड, बीटर ग्लाइकोसाइड एंड मिसलेनियस ग्लाइकोसाइड। तो ये जो सारे 1 to 11 पॉइंट्स वाइज बता रखा है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और चाहे तो मैं आप एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूँ। जो ए ग्लाइकोन पार्ट है उसके बेसिस पे उसका जो केमिकल क्लासिफिकेशन है इसके यहाँ पे, फर्स्ट है एंथ्रासीन, सपोनिन ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, साइनोजेनिक या साइनोफोरिक ग्लाइकोसाइड, आइसोथियोसाइनेट ग्लाइकोसाइड, काउमेरिन, फ्यूरेनो काउमेरिन ग्लाइकोसाइड, एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड, स्टीरॉयडल ग्लाइको एल्केलॉइड्स, फिनॉल ग्लाइकोसाइड, फ्लेविनॉइड ग्लाइकोसाइड, बीटर ग्लाइकोसाइड एंड मिसलेनियस ग्लाइकोसाइड। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको हमेशा ही फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, कीप वॉचिंग और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।